पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नगरपालिका निगम चिरमिरी जो कोरिया जिले का काफी लोकप्रिय क्षेत्र कहलाता है, कोयलांचल नगरी होने के नाते इस क्षेत्र की सुंदरता को और निखारने के लिए नगरपालिका निगम चिरमिरी के महापौर एवं महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाने के लिए शासन से एवं नगरपालिका निगम द्वारा कई योजना बनाकर कार्य रूप दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पिछले 3-4 वर्षों से नगरपालिका निगम चिरमिरी द्वारा कई स्थानों के चौक से अलग अलग नाम रखा है। वहीं हल्दीबाड़ी स्टेट बैंक के पास घड़ी चौक बनाया गया है, जो पिछले 3-4 वर्षों से घड़ी चौक बनाया तो गया है, परंतु चौक में लगी घड़ी बिगड़ जाने के कारण आज तक पुनः इस चौक में नहीं लगाई गई। बताया जाता है कि नगरपालिका निगम चिरमिरी की समान सभा में यह मुद्दा उठाया गया था कि घड़ी चौक में पिछले 3 वर्षों से जो घड़ी खराब है उसे तत्काल सुधर कर लगाया जाए। इस पर समान सभा में संबंधित विभाग प्रमुख ने सभा में कहा कि मिस्त्री छुट्टी में गया है, आते ही मरम्मत कर दी जाएगी, पर आज 3 से 4 वर्ष होने जा रहे हैं, आज तक ना ही मिस्त्री छुट्टी से आया है और ना ही घड़ी बदली गई है, जिसके चलते आज ये घड़ी चौक कबूतरों का घर बन चुकी है। इस संबंध में हमने जब वार्ड के पार्षद से इस संबंध में पूछना चाहा तो उन्होंने बताया कि मेरा वार्ड नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी अवश्य है कि इस समस्या को लेकर स्थानीय पार्षद ने कई बार इसकी शिकायत की है, परंतु नगरपालिका द्वारा इस ओर कोई कदम आज तक नहीं उठाया गया, जिसके चलते ये घड़ी चौक मात्र चौक ही बनकर रह गया है। संबंधित पार्षद से मिलने की कोशिश करने पर पता चला कि वह अपने गांव गए हुए हैं, जिसके चलते इस समस्या की सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई, परंतु जनमानस में चर्चा है कि नगरपालिका निगम चिरमिरी द्वारा जो भी चौक बनाए गए हैं उनका रखरखाव सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते ये चौक की सुंदरता दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है।